स्वार्थी पति पत्नी। ये काफी वक्त पहले का किस्सा है। लखनऊ में कई नदियां बहती थीं और वहां गोमती नदी के किनारे खुर्रम नगर का एक छोटा सा गांव बसा था। गोमती में कई मछुआरे मछलियां पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उन्हीं में से एक मछुआरा था गोलू। गोलू एक दिन सुबह अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने पहुंचा। इससे पहले कि लोग यहां आए मैं ढेर सारी मछलियां पकड़ लेता हूं। आप उधर जाकर खड़े हो और आप लोगों पर नजर रखिएगा कि कोई आ ना जाए। जी पापा। गोलू ने अपना जाल निकाला और उसे हाथ बढ़ाकर दूर नदी में फेंक दिया। कुछ ही देर में उसका जाल बहुत भारी हो गया। अरे वाह, आज तो इतनी सारी मछलियां फंस गई। निकलो। उसने जोर जोर से काटा खींचा पर जाल तस से मच नहीं हुआ। अरे ये तो बहुत भारी मछलियां हैं। आज तो लगता है बहुत अच्छा शिकार हाथ लगा है। लोगों को यहाँ आने से रोकना पड़ेगा। बेटा मुझे इसे निकालने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। तुम जाओ और जाके माँ से बोलो कि वो लोगों को यहाँ आने से रोके, वरना सभी लोग अपना अपना हिस्सा मांगने लगेंगे। जाओ बेटा, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जी बाबूजी, अभी जाता हूँ। सोनू जल्दी से अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सब किस्सा बताया। लोग नदी के किनारे ना जा सके इसलिए गोलू की पत्नी ने एक बदमाशी भरा आइडिया सोचा। ए शीला, मैंने अपनी सबसे सुंदर और महंगी साड़ी यहाँ सूखने को डाली थी, वो कहाँ गई? मुझे लगता है तुमने चोरी कर ली है। पिछली बार तुमको मैंने अपने बर्तन चुराते देखा था, क्यों हमें बर्बाद करने पे लगी हो? जबान संभाल कर बात कीजिए, ऐसे कैसे आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो? हमें आपका सामान चोरी करने की क्या जरूरत है? हमारे पास तो वैसे ही सब कुछ है। जल्द ही सारा गांव इकट्ठा हो गया। किसी का भी ध्यान आज मछली पकड़ने की तरफ ना था और महान नदी पर गोलू थक हार गया। अरे बाप रे, मेहनत करते करते तो मैं थक गया, देखू तो क्या फंसा है मेरे कांटे में। उसने ये कहकर नदी में छलांग लगा दी और तब गोलू ने देखा कि जाल तो पत्थरों में फंस गया था और जाल छुड़ाते छुड़ाते गोलू का सिर एक बड़ी सी चट्टान से चोटिल हो गया। और उधर गांव में गोलू की पत्नी का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। झगड़े को निपटाने के लिए सरपंच जी को बुलाया गया। हाँ तो भाई, तो क्या शीला को किसी ने चोरी करते देखा या उसके घर से कोई चोरी का सामान निकला? नहीं जनाब, शीला के घर से उसके सामान के अलावा तो कोई और सामान नहीं निकला। इसका मतलब ये मछुआरिन शीला पर झूठा इल्जाम लगा रही है, इसको इसकी सजा मिलेगी। तुमने शीला को बिना बात बदनाम करने की कोशिश की है और इसकी सजा के तौर पर तुम्हें उसके घर 1 महीने तक मुफ्त में काम करना होगा। तभी गोलू भी डर से कराहता हुआ वापस घर पहुंचा। मैं बहुत बेवकूफ हूँ जो तुम्हें भी अपने साथ बेवकूफी करने में शामिल कर लिया। मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तब गोलू और उसकी पत्नी को समझ आ गया कि लालच बहुत बुरी बला है।